हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, आईपीएल का ये सीज़न 2023 आधे से आगे आ चुका है, जिसमें 40 मैच हो चुके हैं और अब तक राजस्थान रॉयल्स, गुजरात सीएसके, लखनऊ ने शुरू से ही टॉप फोर पर कब्जा कर रखा है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आज दोपहर होने वाले मैच नंबर 41 पंजाब वर्सेज चेन्नई के मैच के बारे में। यह मैच चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 पर स्टार्ट होगा, जिसका टॉस 3 बजे होगा। इस वीडियो के जरिए आगे हम जानेंगे इन दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मैचेस, वेदर, ड्रीम 11, पिच रिपोर्ट, पॉसिबल 11, देन दिस सीजन परफॉर्मेंस एंड लास्ट के रिजल्ट के बारे में। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों टीमों के बीच हुए हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो आईपीएल हिस्ट्री में आज तक इन दोनों टीमों के बीच 27 मैचेस हुए, जिसमें 15 मैच चेन्नई ने एंड 12 मैच पंजाब ने जीते। दैन नेक्स्ट दिस सीजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सीज़न में सीएसके टीम काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से खेल रही है। लगातार 3 मैच जीतकर आ रहे सीएसके लास्ट मैच में राजस्थान रॉयल्स से हारी, लेकिन इस मैच का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि यह टीम कमबैक कर लेगी। वहीं दूसरी ओर पंजाब का सीज़न काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। उन्होंने पिछला मैच ही लखनऊ से 56 रनों से हारा था और यह 4 मैच जीत के 6ठे नंबर पर है। अगर इन्हें प्लेऑफ क्वालिफाई करना है तो हर हाल में यह मैच जीतना होगा। देन अब बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यह पिच वेल बैलेंस पिच है। यहाँ पर मिडल ओवर में स्पिनर्स को मदद मिलती है। वहीं पहले बैटिंग करने वाली टीम का स्कोर एवरेज 140-155 के आसपास रहता है। दैन वेदर की बात करें तो ऑन द टेम्परेचर 28 डिग्री से 33 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम बिल्कुल साफ है। नेक्स्ट अब इस टीम की हम पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई की प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेविड कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, मथिसा पथिराना, तुषार देशपांडे, महेश तीक्षणा, आकाश सिंह। दैन पंजाब की तरफ से शिखर धवन, अर्थव तायडे, सिकंदर रजा, लैम लिविंगस्टन, सैम कुरान, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, हरप्रीत बराड़, राहुल चाहर, हर्षदीप सिंह एंड कगिसो रबाड़ा। सो गाइस, नेक्स्ट अब इनके हम सेफ ड्रीम 11 टीम के बारे में बात करें तो डेविड कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, मैथ्यू शॉट, लैम लिविंगस्टन, सैम कुरान, तुषार देशपांडे, हर्षदीप सिंह, मथिसा पथिराना एंड नाथन एलाइस, जिसमें आप कैप्टन डेविड कॉनवे एंड वाइस कैप्टन सैम कुरान या फिर रविंद्र जडेजा रख सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इस स्टेडियम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 11 विकेट भी लिए। इन फैक्टर एंड रिकॉर्ड के हिसाब से यह मैच सीएसके जीतेगी और आपके अनुसार कौन सी टीम जीतेगी कमेंट्स में बताइए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जितनी हो सकी उतनी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने क्रिकेट लवर भाई को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और जल्दी से जल्दी तुम्हारे भाई के चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाओ। थैंक यू दोस्तों।